वेलकम स्टूडेंट्स टू माई चैनल द सीतेश शेयर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हेल्टोक ऑन हाइपर थायरॉयडिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे, जिसके अंदर की नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है हमारा, मेथड ऑफ टीचिंग क्या यूज़ करेंगे, क्लास कौन सी है, एवीएट्स क्या यूज़ करने वाले हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहने वाले हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा हेल्टोक प्रेजेंट करने में, और किस डेट को हम हेल्टोक प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे ग्रुप मेंबर्स की, भाई टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप मेंबर्स को। प्रीवियस नॉलेज के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक द ग्रुप विल बी एबल टू नो अबाउट हाइपर थायरॉयडिज्म। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिली जाएगी ग्रुप मेंबर्स को, ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा एट द एंड ऑफ द लेक्चर या फिर एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक ग्रुप विल नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, डेफिनेशन, एटियोलॉजी एंड कॉजेज, साइन सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे जिसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं हेल्टोक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म का। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसे लिखने के लिए आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे, सीरियल नंबर वाला बन जाएगा, इसमें हम पॉइंट डालेंगे भाई कौन सा वाला पॉइंट लिख रहे हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वाले में जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो सीक्वेंस वाइज हम लिखते जाएंगे। इसके बाद टाइम वाला कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम टाइम लिखेंगे भाई कितना टाइम के अंदर हमको ये प्रेजेंट करना है। इसके बाद कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी क्या है, कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, एवीएट्स क्या क्या यूज़ करेंगे, और इवैल्यूएशन के अंदर जब हम पूरा टॉपिक समझा देंगे उसके बाद इवैल्यूएशन करने के लिए लास्ट में क्वेश्चनिंग करेंगे जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे। जैसे कि इंट्रोडक्शन के बाद हम पूछ लेंगे व्हाट इज़ हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है, तो क्वेश्चन करके हम पूछ लेंगे, तो लास्ट में हम क्वेश्चन लिख लेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन लिख लेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म की। ये डेफिनेशन हो जाएगी, क्लियरली विजुअल है। हाइपर थायरॉयडिज्म इज अ डिसऑर्डर इन विच योर थायरॉयड ग्लैंड मेक्स एंड रिलीज मोर थायरॉयड हार्मोन देन योर बॉडी नीड्स। मतलब जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, उससे ज़्यादा अमाउंट में जो हार्मोन रहता है थायरॉयड वो प्रोड्यूस करती है हमारे थायरॉयड ग्लैंड इस कंडीशन के अंदर, हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के बाद एटियोलॉजी लिख लेंगे हम, कौन कौन से ऐसे कोज रहेंगे एटियोलॉजिकल जिनकी वजह से ये वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है हाइपर थायरॉयडिज्म वाली। इसके अंदर पहला हो जाएगा ओवर फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर ग्लैंड, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ मैग्जीडिमा। इसके बाद प्लमर्स डिजीज, इमोशनल अपसेट, ओवरवर्क, एनजाइटी, एक्यूट इन्फेक्शन, वरी, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपथेटिक सिस्टम, ये इसके कॉजेज हो जाएंगे कुछ। ठीक है, कोजेज के बाद हम सिम्टम्स लिख लेंगे भाई कौन कौन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब इसके सिम्टम्स आएंगे हर एक सिस्टम के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो हम अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज लिख लेंगे। सबसे पहले CVS कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या फ़र्क पड़ेगा CVS के ऊपर। हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, टैकीकार्डिया, पालपिटेशन क्या होता है, हमको अपनी ही जो भी पल्स रेट रहती है मतलब फील होती है, जो भी हमारा हार्ट बीट है ना वो फील होने लग जाती है, सुनाई देने लग जाती है पालपिटेशन के अंदर। इसके बाद बाउंड एंड रैपिड पल्स, जीआईटी के ऊपर क्या क्या आएगा, इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, डायरिया, स्पिनोमेगली, हिपेटोमेगली। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्निया देखने को मिल सकती है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मतलब टेकीपिनिया वाली कंडीशन हो सकती है। इसके बाद नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, नर्वसनेस, इंसोमनिया, नींद नहीं आएगी सही से, रेस्टलेसनेस, फैटिक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर फैटिक वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है, मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस लिख लेंगे भाई हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन हो सकती है और हार्ट फेलियर वाली कंडीशन भी हो सकती है कॉम्प्लिकेशन के तौर पर। इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में लिखेंगे भाई, ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा जिसके अंदर एंटी थायरॉयड ड्रग्स, ठीक है, मेथामाजोल और थियो यूरियज ये हो जाएगी। इसके बाद बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर दे देंगे, एटेनोलॉल। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट बाद सर्जरी करवाएंगे, इसके अंदर
सब टोटल थायरेक्टोमी और टोटल थायरेक्डोटोमी। इसके अंदर सब टोटल वाले में कुछ पोर्शन काट के निकाल देंगे हम थायरॉइड ग्लैंड का, और टोटल वाली में सारी थायरॉइड ग्लैंड काट के हम निकाल देंगे, ये हमारी सर्जरी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है। ये बुक्स हो जाएंगी, पहली हो जाएगी ब्लैक की मेडिकल सर्जिकल, सेकंड ब्रूनर सुद्धार, थर्ड पी के पवार। इसके बाद हम नेट रेफरेंस लिख लेंगे, भाई हमने जो भी नेट की हेल्प ली है, वेबसाइट यूज़ की है लिखने के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्टॉक बनाने में, तो हम नेट रेफरेंस लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।